सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। आज डाल्टनगंज परिसदन भवन में भाजपा के राज्यसभा सदस्य सह प्रदेश महामंत्री सह पलामू परमंडल प्रभारी आदित्य साहू ने प्रेस वार्ता कर जहां केंद्र की मोदी सरकार की कार्यों की जमकर प्रशंसा की, वहीं राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, केंद्र की मोदी सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वहीं राज्य की हेमंत सरकार गरीबों के हक व हकूक के साथ खिलवाड़ कर रही है। कहा, राज्य की हेमंत सरकार सिर्फ राज्य को लूटने खसोटने में लगी है। कहा, आगामी 30 मई से 30 जून तक भाजपा के हर स्तर के कार्यकर्ता गांव से जिला से लेकर राज्य के हर घर में जाएंगे व दरवाजा खटखटाकर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराएंगे। देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार 9 वर्षों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से कल्याणकारी कार्य चला रहे हैं, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर मिला है कि कोई गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना है और वो सिर्फ और सिर्फ गरीब की चिंता करते हैं। अनेक प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं इस धरती पर उतारने का काम किया है। दिल से दुआ और आशीर्वाद गरीब लोग देने का काम कर रहे हैं, चाहे उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर देना, कनेक्शन देना, आयुष्मान कार्ड योजना से हर गरीब का 5 लाख रुपये तक का इलाज कराना, और इस प्रकार से किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से गांव के किसानों को, गरीब किसानों को 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक 4 महीना में, साल में 6 हज़ार रुपये देना, गरीब किसानों का आंख के आंसुओं को पूछने का काम करना, और अनेक प्रकार के कार्य चलाए जा रहे हैं जन कल्याणकार्य, उसी कार्यक्रमों को लेकर के हम जनता के बीच जाने वाले हैं और महाजन संपर्क अभियान के तहत केंद्र नेतृत्व से लेकर के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे सभी लोगों के घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक गरीब परिवार के दरवाजे पर दस्तक देने का काम किया है कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। हम उनसे मिलने वाले हैं, उनका हाल चाल जानने वाले हैं और अपनी बातों को रखने वाले, उनकी बातों को सुनने वाले हैं। आपने कहा कि स्टेट जो भी सेंट्रल स्कीम है उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको फोकस नहीं कर रही, दरकिनार कर रही है। वैसे में स्टेट सुशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक घर के लोगों को, प्रत्येक परिवार के लोगों को साफ जल पहुंचाने का काम करे, लेकिन यह राज्य की सरकार, आपने देखो किसी गाँव में जिस प्रकार की गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए वो काम नहीं करके योजना को अधर में लटका करके जो 2024 तक प्रत्येक घरों में जल पहुंचाना था वो काम नहीं कर पा रही है, जिससे ऐसा लगता है कि राज्य की सरकार केंद्र की योजनाओं को अटकाना चाहती है और चाहती है कि केंद्र की योजनाएं जमीन पर नहीं उतरे, लोगों को फायदा नहीं मिले, और इसलिए नहीं मिले क्योंकि राज्य की सरकार क्या कर रही, किसी से छिपा हुआ नहीं है, खुद धन अर्जित करने का सारा लोग काम कर रहे हैं, जनता से कुछ लेना देना नहीं है। जो वादा और भरोसा दिला करके लोगों ने वोट लेने का काम किया था कांग्रेस और जेएमएम ने, वो काम नहीं करके अपने परिवार के और अपने वंशज को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, अपना खजाना भरने का काम कर रहे हैं, और आए दिन इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, पदाधिकारी से लेकर जन नेता के यहाँ अकूत संपत्ति मिल रही है, खान खनिज संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं, बालू लोहा अदरक कोयला का जिस प्रकार से चोरी हो रही है, मुझे लगता है कि देश आजाद होने के बाद समय झारखंड के लोगों को देखने का अवसर नहीं मिला।